हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस वाला, अ यूनिट ऑफ फिजिक्स वाला। माय नेम इज़ दानिश जफर, आप मुझे टाइगर सर के नाम से भी जानते हैं। आज लेकर आया हूँ आपकी डिमांड पे एक और लेक्चर, शक्ति बैच में लेक्चर नंबर 18, और फिर से हम करेंगे वोकैबलरी। देखिए, वोकैबलरी की अच्छी डिमांड आई और बच्चों ने बहुत ज़्यादा बोला मुझसे वोकैबलरी के लिए, तो मैं वोकैबलरी ले आया हूँ आपके लिए। अच्छा, बहुत दिन से हमारी बात हो रही है कि सर वोकैब कैसे करें, वोकैब कैसे करें। देखो, वोकैब का कोई अंत तो है नहीं, ठीक है? तो मैं बहुत जल्दी आपको एक वीडियो ये भी बताऊंगा कि भाई वो कैब आपको प्रिपेयर कैसे करनी है, ठीक है? तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप वो कैब के लगाते हैं ना, वो बहुत ज़बरदस्त रहते हैं। और सबसे बढ़िया तरीका है वो कैब सीखने का कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाइए, ठीक है? आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे वो कैब के, बहुत सारे मैंने अभी भी दूंगा। अभी एक टेस्ट पेपर भी देना है मुझे आपको वो कैब के लिए, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो वो आपको लगातार लगाने हैं। अब रूट वर्ड्स भी बहुत सारे हैं, कितने सारे रूट वर्ड्स हैं, तो मैं कौन से रूट वर्ड्स आपको सिखाऊं, कौन से ना सिखाऊं। अगर आप गौर करेंगे तो ऑलरेडी मैं 2-3 रूट वर्ड्स पे आपके साथ काम कर चुका हूं, जैसे फोबिया है ना, 30-40 फोबिया मैंने आपको भर भर के कराए, ऐसी मैंने आपको क्रेसी कराए, 30-40 क्रेसीज कराए, बट अंत नहीं है रूट वर्ड्स का। तो मैंने क्या किया, आज जो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले रूट वर्ड्स हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कंपैरेटिव एग्जाम्स में आते हैं, वो मैंने 10 रूट वर्ड्स उठा लिए, 10, और उन 10 पे क्या क्या वर्ड्स बन सकते हैं उनको आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर तुम लेके बैठोगे एक पेन और एक सुंदर सी नोटबुक और बनाओगे नोट्स, तभी आत्मा होगी तरफ। आज तुम क्लास से 50+ वर्ड्स याद करके जाओगे, और एक क्लास में 50 वर्ड याद करना बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एक बात ये भी है कि मैं वोकैब बाद में क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि वोकैब जो है ना, आप वक्त के साथ भूल जाते हैं। अब एग्जाम आपका सर पे ही है, ऑलमोस्ट थोड़े से ही दिन रह गए हैं, हार्डली कितने दिन रह गए होंगे, 15 दिन है ना, तो 15 डेज में आपका है, तो ये सारी वोकैब तो आप एटलीस्ट लर्न कर ही सकते हैं। ये सबसे बड़ा फायदा है इस क्लास का। तो भाई स्टार्ट करते हैं फटाफट क्लास, और मैं आपको देने जा रहा हूँ पहला रूट वर्ड। आज मैं आपको याद कराऊंगा रूट वर्ड, क्वेश्चंस नहीं है, नोटबुक लेके बैठेंगे तभी मजा आएगा दोस्त, ठीक है? और हाँ, मुझे ये आपको ये भी देखना है कि जितने मैंने वर्ड दिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दिए ये वर्ड, तो 1, 2, 3, 4, 5 वर्ड्स हैं एक रूट वर्ड एमबी से, क्योंकि आपको पांचों आते हैं, लेट्स सी। तो पहला वर्ड क्या है, एमबी, एमबी ये रूट वर्ड दिया है, इसका मतलब क्या होता है, एमबी जहां भी वर्ड आ जाता है इसका मतलब होता है टू, दो से मतलब आता है टू, ठीक है? जैसे आपने देखा होगा वो याद है तुम्हें, वायरस, वायरस कौन सी मूवी आई थी, 3 इडियट्स में वो जो उनका प्रिंसिपल था, तो उसका नाम क्या था, वायरस। तो वायरस कौन था, वायरस वॉज एम्बीडेक्स्ट्रस, जो दोनों हाथों से लिखता था। तो अगर आप दोनों हाथों से काम कर सकते हैं, अगर आप दोनों हाथों से लिख सकते हैं, तो आप कौन हो जाएंगे दोस्त, एम्बीडेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किलफुल, ये बात याद रखना, डेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है, स्किलफुल, और एमबी का मतलब क्या होता है, दोनों हाथों से जो काम कर सकता हो। तो एम्बीडेक्स्ट्रस मीन्स हु कैन वर्क विद बोथ हैंड्स, दोनों हाथों से काम कर सकता हो, दोनों हाथों से बैटिंग कर सकता हो, बॉलिंग कर सकता हो, दैट इज कॉल्ड एम्बीडेक्स्ट्रस। तो कोई भी काम अगर वो दोनों हाथों से करता है, तो आप कह सकते हो कि ही इज एन एम्बीडेक्स्ट्रस राइटर, मतलब दोनों हाथों से लिख सकता है। आगे बढ़ते हैं, एमबी वर्ड। अब आपको पता होगा, आपने सुना होगा इंट्रोवर्ड, और आपने सुना होगा एक्स्ट्रोवर्ड। अब क्या मतलब है दोस्त इसका, इंट्रोवर्ड का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो शर्मीला है, इंट्रोवर्ड इज बेसिकली शाय, शाय होता है, शर्मीला है, अपनी बात खुल के नहीं कहता, हेसिटेंट रहता है ये, और मतलब मन में रखता है बातें। और एक्स्ट्रोवर्ट कौन होता है, एक्स्ट्रोवर्ट बेसिकली होता है बोल्ड, खुल के अपनी बात रखता है, ठीक है? तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं बोल्ड एक्स्ट्रोवर्ट। अब इन दोनों के बीच का जो होता है, कहने का मतलब है कभी शाय है, कभी एक्स्ट्रोवर्ट है, कभी इंट्रोवर्ट है, कभी दबरा है ना, तो दैट इज दैट पर्सन, जिसके अंदर दोनों बातें हैं, कभी इंट्रोवर्ट है कभी एक्स्ट्रोवर्ट है, उसे हम बोल देते हैं क्या, एम्बीवर्ट। इसके बीच का जो कभी एक्स्ट्रोवर्ट है और कभी इंट्रोवर्ट। अगला वर्ड देखते हैं, एम्बिग्विटी। आपने वर्ड सुना होगा एम्बिगुअस, दोस्त मेरे एम्बिगुअस का क्या मतलब होता है, हैविंग मोर देन वन मीनिंग। तो एम्बिग्विटी का भी क्या मतलब हो जाएगा, कोई ऐसी चीज जिसके अंदर ये एडजेक्टिव है और ये वाला नाउन है। तो क्या मतलब हुआ एम्बिग्विटी का, डाउट बेसिकली, हैविंग टू, और मोर मीनिंग्स,
जिसके एक या दो से एक से ज्यादा मीनिंग हो सकते हो, दैट इज कॉल्ड एम्बिग्यूटी। अच्छा, एम्बीपैरस। एम्बीपैरस का क्या मतलब होता है? एम्बी का मतलब दोनों, ठीक है, और पैरस का मतलब बेसिकली होता है प्लांट्स और ट्रीज से। तो जिसके अंदर दोनों चीजों की बात हो रही हो, जिसके अंदर प्लांट्स की भी बात हो रही हो, है ना, और ट्रीज की भी बात हो रही हो, तो ऐसी चीजों को बोलते हैं एम्बीपैरस। एम्बीपैरस, तो इसमें दोनों की बात होगी। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला वर्ड है लैटरल से। तो लैटरल जहां भी वर्ड आता है, ये भी रूट है, मैं आपको रूट्स के अंदर भी रूट सिखाऊंगा। अगर कोई वर्ड आएगा तो उसका मीनिंग बताऊंगा, और बताऊंगा जैसे लेटरल बताया, जहां भी वर्ड दिख जाए लेटरल समझ लेना साइड, है ना, बाय लेटरल, ट्राई लेटरल, आपने सुना होगा। एम्बी लेटरल का मतलब क्या होता हैविंग टू साइड। अब इसे बाय लेटरल से ही अलग होता है, ठीक है। एम्बी का मतलब होता है कि थोड़ा इस साइड का, थोड़ा इस साइड का। जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा है जो सोशलिज्म को सपोर्ट करता है, और कोई ऐसा है जो कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता है। अब मान लो कोई कंट्री ऐसी है जो थोड़ा सोशलिज्म को और थोड़ा कैपिटलिज्म, दोनों को आप कह सकते हैं सपोर्ट करती है, तो ऐसी कंट्री क्या हो जाएगी? एम्बी लेटरल, है ना, दोनों तरफ है ये, दोनों तरफ, दैट इज कॉल्ड एम्बी लेटरल। तो उम्मीद है ये 1 2 3 4 5 6 जितने भी वर्ड है आपको एकदम समझ में आए होंगे। डाउट है तो जरूर पूछिएगा, आपका डाउट मेरे सर आंखों पर। हियर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्रो, व्हाट इज एक्रो? बहुत आसान है, इसे याद रखना। देखो जहां भी वर्ड आ जाता है ना, क्रो, क्रो का मतलब हो जाता है मेरे भाई हाइट्स। क्रो का मतलब किससे हो जाएगा? हाइट्स से। तो एक्रोपोलिस, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। आपने अगर गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा, ठीक है, या फिर वाइकिंग्स देखा होगा, या कोई भी ऐसी सीरीज, या 200 BC करके एक मूवी आई थी, है ना, कौन था उसमें, जिराट बटलर की, अगर आपने वो भी देखी है तो भी आपको पता होगा एक्रोपोलिस क्या होता है। पहले जमाने में लोग ऊंची ऊंची जगहों पे कैसल बनाते थे, है ना, क्या होता है ये, कैसल होता है, ठीक है। कैसल का मतलब होता है फोर्ट, समझ लो किला, ठीक है। तो पहले जमाने में लोग कैसल बनाते थे, और काफी ऊंचाई पे बनाते थे, जहां से वो अपने दुश्मन पे नजर रख सकते हो, दूर से ही देख लिया करता से भाई, कहता अरे दुश्मन आ गया है, तैयारी कर लो। तो ये क्या था, ये बनाया जाता एक्रो, ऐसे किले को एक्रोपोलिस बोलते थे, ठीक है। तो कैसल, फोर्ट, जैसे मैं कह सकता हूं कैसल मेड एट हाइट फॉर डिफेंस, ठीक है, अपने डिफेंस के लिए जो कैसल बनाया जाता था हाइट पे, उसे हम क्या बोलते थे, एक्रोपोलिस। अच्छा, ये एक बीमारी होती है एक्रोमीगैली। एक्रो का मतलब हाइट से भी होता है ना, तो इसमें क्या होता है कि आपके हाथ और पैर एबनॉर्मली लंबे हो जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है ग्रेट खली, है ना, और वो क्या नाम है उसका, बिग शो। ये लोग क्या है, इनको ये बीमारी है, जी हाँ, ये मैं आपको बता दूँ, इनको बीमारी है। अगर आप WWE की लिस्टिंग्स चेक करेंगे, जाके डिटेल्स देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो जो खासतौर से ग्रेट खली, उसको बीमारी है कि उसके हाथ पैर एबनॉर्मली बड़े हैं, ठीक है। तो उसको मतलब इतना बड़ा कोई होता थोड़ी है, वो इतना 7 फुट से भी ज्यादा निकल गया, तो ये रेयर होता है। तो एक्रोमिगैली इज अ काइंड ऑफ डिसीज, जिसमें क्या होता है, एबनॉर्मल, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ हैंड्स, हैंड्स नहीं, देखो लिम्स, लिम्स मतलब हाथ पैरों की हद से ज्यादा गिरो हो जाती है, ग्रोथ हो जाती है, तो हम उसे एक्रोमिगैली बोलते हैं। अच्छा, एक्रोनिम, एक्रोनिम का क्या मतलब होता है? कभी कभी हम एक्रोनिम का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा वर्ड है, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो हम बार बार पूरा नहीं कहना चाहते, तो हम उसकी शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं। और कैसे लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म, कि हमेशा हर वर्ड का इनिशियल ले लेते हैं। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड में से हमने लिया W, है ना, और हेल्थ में से लिया H, और फिर लिखा O, तो WHO क्या हो गया, एक एक्रोनिम हो गया, आप इसे शॉर्ट फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है। तो WHO, यूनिसेफ, ये सारे के सारे, या UNO, ये एक्रोनिम है। एक्रोनिम का मतलब होता है कि फर्स्ट इनिशियल ले लिया किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एक्रोनिम। इसके बाद आता है हमारे पास एक्रोबैट। एक्रोबैट जानते कौन होता है? आपने देखा होगा नट बोलते, नट, ये क्या करता है, रस्सी पे चल के दिखाएगा, करतब दिखाएगा, ऊपर चढ़ेगा, नीचे कूदेगा, तो ये परफॉर्मर होता है बेसिकली, मींस समवन हू बैलेंसेस ऑन द रोड।
रस्सी पे चल के दिखाता है आपको, और ये कहलाता है कौन, कौन कहलाता है, एक्रोबैट, एक्रोबैट याद रखिएगा। इसके बाद आता है कैसे याद रखोगे, बैट, बैट कौन होती है, चमगादड़, उल्टी लटक जाती है, तो ये भी क्या है, उल्टा लटक जाएगा, सीधा लटक जाएगा, ये सारी चीजें करता है ये। एक्रोफोबिया, ये मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ अगर आपको याद हो, जिन्होंने वो मेरी फोबिया वाली वीडियो ने देखी है वो यहाँ देख लीजिए। फोबिया का मतलब गली का बच्चा, बच्चा जानता है क्या होता है दोस्त, फियर, तो ये क्या हो जाएगा, फियर ऑफ हाइट, इसे ऊंचाई से डर लगता है। तो उम्मीद है ये वाला भी आपको याद हो गया होगा, नोटबुक में अगर नोट करेंगे तो कभी भूल नहीं। अगला क्वेश्चन ये रहा, बेनी, ये क्या होता है, यहां भी ये वर्ड आता था बेनी, इसको कैसे याद रखोगे, बेनिफिट से, फायदा, अच्छा, गुड, इसका मतलब क्या होता है, बेसिकली गुड, ठीक है, गुड इसका मतलब होता है। तो बेनिग्नेंस कौन होता है, बेनिग्नेंस का मतलब होता है जो दूसरों की अच्छाई चाहता हो, दूसरों का भलाई चाहता हो, जैसे मैलिग्नेंट होता है, अभी आप आगे चलेंगे तो जानेंगे कि वो दूसरों की बुराई चाहता है, तो बेनिग्नेंट कौन होता है, बेनिग्नेंट होता है Who wants good of others? दूसरों की अच्छाई चाहता है, दूसरों की भलाई चाहता है, इसके लिए आप वर्ड काइंड का भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी का एक सिनोनिम है ये वाला बिनाइन, इसका मतलब भी क्या होता है दोस्त, इसका मतलब भी काइंड ही होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास तीन वर्ड आए हैं इसमें सिनोनिम है वो, ठीक है, जो मैं एक साथ लिख देता हूँ, बेनेडिक्टरी, बेनिसन और बेनेडिक्शन, मतलब ये वाला वर्ड, मतलब ये वाला वर्ड और मतलब ये वाला, ये तीनों सिनोनिम है और तीनों का मतलब एक जैसा होता है, तीनों का मतलब होता है ब्लेसिंग, ठीक है, ब्लेसिंग। ये थोड़ा सा अलग होता है, बेनेडिक्टरी इसका मतलब प्रेयर जैसा आता है, ठीक है, तो ये होता ब्लेसिंग ही है, ब्लेसिंग जैसा, भाई देखो अगर प्रार्थना जो होती है वो भी एक तरह की ब्लेसिंग होती है, ऐसे याद रख सकते हो, तो ये प्रेयर हो जाती है, और इन दोनों का मतलब क्या होता है, ब्लेसिंग, ब्लेसिंग तो जानते ही हो गए, वरदान कह सकते हो, वरदान है ना, कुछ अच्छी चीज, कुछ अच्छी बात, कोई अच्छी दुआ, दैट इज बेनिसन और बेनेडिक्शन। इसके बाद हमारे पास वर्ड आता है बेनवोलेंट, तो बेनवोलेंट जो है ये सिनोनिम है किसका, ये बेनिग्नेंट का, ये भी कौन होता है, हु वांट्स गुड ऑफ अदर्स, तो ये भी क्या है, काइंड है, ठीक है। तो आप देखेंगे, दूसरे पेन से कर देता हूं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों भी सिनोनिम है और ये भी काफी हद तक इन जैसा है, तो जो रेड पेन से करें उन्हें एक एक जगह मानिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, अगला वर्ड है हमारे पास बेनिफैक्टर। अब ये बेनिफैक्टर कौन होता है, बेनिफैक्टर बेसिकली होता है फ्रेंड, एक ऐसा फ्रेंड जो हमेशा तुम्हारा अच्छा चाहता है। देखो दो तरह के दोस्त होते हैं, एक तो वाला दोस्त है मार मार छुट्टा मार, अरे एक छुट्टे में कुछ नहीं होता, नहीं हो रहा तेरे लिप्स काले, नहीं फट रहा तेरा फेफड़ा, मार मार छुट्टा मार, एक तो ये वाला दोस्त होता है। एक दोस्त वो होता है नहीं भाई तू मत पीजो कभी, अच्छी चीज नहीं है दोस्त, ठीक है, अच्छी चीज नहीं है, हमेशा अच्छा चाहेगा, पैसा चाहिए तुम्हें पैसा देगा, तुम्हारी खुशी में खुश होगा, दैट इज कॉल्ड बेनिफैक्टर, दैट मीन्स फ्रेंड, दैट मीन्स फ्रेंड। तो फ्रेंड कौन होता है, बेनिफैक्टर होता है। बेनिफिशियरी कौन होता है, बेनिफिशियरी वो होता है, कहते हैं ना जब तुम किसी को अकाउंट में पैसे देते हो तो कहता है ऐड बेनिफिशियरी, आप बेनिफिशियरी को ऐड करते हैं, या पूछे जाते हैं कौन तुम्हारे बेनिफिशियरी कौन है, बेनिफिशियरी का मतलब है जैसे तुमने कोई भी पॉलिसी ली है तो उस पॉलिसी के लिए तुम्हें एक बेनिफिशियरी मिलता है, मतलब उस पॉलिसी का सारा फायदा किसको मिलेगा, तो बेनिफिशियरी कौन होता है, द वन हु टेक्स ऑल द बेनिफिट्स, हु एंजॉयज ऑल द बेनिफिट्स, तो दोस्त ये कौन हो जाता है, बेनिफिशियल हो जाता है। उम्मीद है सारे वर्ड हो गए, दैट्स ग्रेट, बढ़िया। तो यहाँ पे भी आपने बहुत सारे वर्ड सीखे, अगर आप नोटबुक में नोट करते रहेंगे तभी आत्मा तरफ होगी। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके प्यार में, क्रेड, जहां भी वर्ड आ जाए क्रेड, इसका मतलब विश्वास से होता है, ट्रस्ट, फेथ या फिर बिलीव, ऐसा सा सेंस देता है ये, ट्रस्ट, फेथ या बिलीव। अब क्रेडिबल कौन होता है, कहते हैं कि अगर आप कहते हैं
इंडियन इंडियन मीडिया इज नॉट क्रेडिबल एनी मोर। क्रेडिबल का मतलब होता है जिस पे विश्वास किया जा सके, है ना, भरोसे के लायक। मतलब क्रेडिबल मतलब बिलीवेबल, बिलीवेबल। और क्रेडिटेबल कौन होता है? क्रेडिटेबल वो होता है, देखो इन दोनों में डिफरेंस है और इस पे क्वेश्चन आ जाता है, ये सेम नहीं है, बिल्कुल अलग वर्ड है। क्रेडिटेबल का मतलब होता है एक ऐसा आदमी जो कि प्रशंसा के योग्य हो, है ना, एक ऐसा आदमी जिस पे उंगली नहीं उठाई जा सकती। ठीक ठाक मतलब वो अपने हिस्से का काम करता है। जैसे कोई ये कहे यार रविंद्र जडेजा को खिलाना तो बेकार ही है, वो किसी काम का नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते। कितनी बार वो हमें रन आउट देता है, कितनी बार सही टाइम पे विकेट निकाल के देता है ना, कितनी बार ऐसा होता है कि वो सही टाइम पे रन भी मार देता है। पर हाँ, उसके कोई कंपेरिजन नहीं है रोहित शर्मा ये किसी बहुत बड़े खिलाड़ी से, बट नो डाउट ही इज अ यूजफुल प्लेयर, नो डाउट ही इज क्रेडिटेबल। क्रेडिटेबल है मतलब इसको क्रेडिट दिया जा सकता है, मतलब आप कह सकते हैं प्रेज वर्दी। तारीफ के काबिल बट नॉट एक्सेलेंट। एक्सेलेंट नहीं होगा ये बात याद रखिए, एक्सेलेंट नहीं है, बट हाँ क्रेडिटेबल है कि भाई इसको भी काउंट किया जा सकता है। अगला क्या है? क्रेडुलस। ये बेचारा बड़ा सीधा साधा भोला भाला होता है, ये मेरे वही लड़के, ये मेरे वही बच्चे, ये मेरे वही चीते हैं जो मतलब प्यार में पड़ गए, ठीक है, बड़ा भरोसा कर लिया और दिल तोड़ लिया अपना और धोखा खा लिया। तो ये कौन होते हैं? गलेबल, ठीक है। तुम्हें लगा ये लड़की बहुत अच्छी है, इसका दिल बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा दिल है, ठीक है, और तुमने इस पर विश्वास कर लिया। कुछ दिन बाद तुम्हें पता चला सच में इसका दिल बहुत बड़ा था, तुम जैसे कई सारे थे इसके मन में। तो ये कौन है? ये गलीबल है। गलीबल का मतलब होता है हु, ये लड़का कौन है? हु ट्रस्ट अदर्स इजली, आसानी से विश्वास कर लेता है, बेचारा भोला है भोला। ठीक है भाई, अगले वर्ड पे आते हैं दोस्त। अगला वर्ड है इनक्रेडिबल, अतुल्य। आपने सुना नहीं है इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत, एक ऐसी चीज जिसकी तुलना नहीं की जा सकती हो किसी पे, जिस पे विश्वास नहीं आया हो, अविश्वसनीय भारत, इनक्रेडिबल इंडिया। तो अविश्वसनीय मीन्स समथिंग अनबिलीवेबल। क्यों है भाई अविश्वसनीय भारत? भारत को देख लो, ठीक है, हर कोना अलग है भारत का। साउथ जाओगे तो अलग कल्चर, अलग लोग, अलग तरीके से, रिलीजन वही मिलेंगे पर मानने वाले अलग तरीके से मानते हैं। नॉर्थ इंडिया में आ जाओ, सबसे ज्यादा पागल तुम्हें ही मिलेंगे, वैसे मैं भी नॉर्थ इंडिया का ही हूँ, ठीक है। और तुम इधर इधर चल जाओ, नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, कितने बढ़िया लोग हैं, एकदम पहाड़ों पर रहते हैं, मजे करते हैं। सो ये क्या है? ये हमारी इनक्रेडिबल इंडिया, अनबिलीवेबल इंडिया, के एक ही देश में इतने तरह के लोग, इतनी तरह की वैरायटी। अच्छा, क्रीडेंस का क्या मतलब होता है? क्रीडेंस का मतलब होता है तो फेथ, ठीक है, विश्वास। लेकिन ये रिलीजन के टर्म्स में नहीं होगा, ठीक है, ये होगा प्रोफेशनल टर्म, ठीक है, या फिर ऑफिशियल टर्म्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मैं कहूं द कंपनी डज नॉट हैव क्रेडेंस ऑन दिस एम्प्लॉय, इस एम्प्लॉय पे उनको भरोसा नहीं है बहुत ज्यादा। तो मतलब भरोसा का मतलब है कि इसको बहुत ज्यादा एक्सेस नहीं मिले हैं कंपनी के, बहुत ज्यादा चीजें कंपनी ने इसको बताई नहीं है। तो क्रीडेंस का मतलब वो वाला होता है, एक ऐसा फेथ या कह सकते हो एक ऐसी ट्रस्ट, ठीक है, जो ट्रस्ट मतलब फेथ कह सकते हो, एक ऐसा फेथ जो ऑफिशियली, जैसे कि हाँ ये तुम कंपनी के लिए कुछ बुरा नहीं चाहोगे, कुछ कुछ गलत नहीं करोगे, इसे हम क्रेडेंस बोलते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, वर्ड नोट करते रहेंगे तभी मजा आएगा। अगला वर्ड है पैलम, और इसी में तुम्हें एक और भी रूट वर्ड मिलेगा, एंटे। यहाँ भी एंटे आ जाता है ना, एंटे का मतलब होता है बिफोर। इससे कुछ और वर्ड भी मैं तुम्हें देता हूँ, जैसे तुमने देखा होगा एंटे नपशियल, या फिर एंटे एंटीनप्शियल, एंटीनप्शियल बताता हूँ। और ये एंटी से एंटी बैलम, पोस्ट बैलम, एंटी मैरिटी, ये दो कॉमन वर्ड्स हैं, इससे आप एंटी का मतलब एकदम समझ जाएंगे। एंटी का मतलब होता है बिफोर, तो एंटीनप्शियल क्या हो गया? नप्शियल का मतलब होता है रिलेटेड टू, ये क्या होता है? रिलेटेड टू मैरिज या वेडिंग, ठीक है। सो एंटीनप्शियल क्या हो गया के बिफोर मैरिज, वो जो मैरिज से पहले जो भी सेरेमनीज होती हैं उनके लिए तुम कह सकते हो एंटी नप्शियल सेरेमनीज, मतलब बिफोर मैरिज, ठीक
बिफोर मैरिज, ठीक है, जैसे कि एंटी नप्शियल सेरेमनीज, जैसे कि रोका होता है, टोका होता है, और पता नहीं क्या क्या भौका, आई डोंट अंडरस्टैंड, वो रिंग एंगेजमेंट सेरेमनी और पता नहीं क्या क्या होता है, दैट इज कॉल्ड शादी से पहले वाली सारे कांड एंटी नप्शियल कहते हैं। एंटी मेरिडियन, आप जब भी कुछ लिखते हैं तो ए एम लिखते हैं ना, 9 AM, ठीक है, 10 AM, तो ये क्या है, इसका मतलब क्या है, 9 AM का मतलब क्या है दोस्त, 9 AM का मतलब है सुबह के 9 बजे। एंटी मेरिडियन, मेरिडियन क्या है, इंग्लैंड में आपने सुना होगा ग्रीनविच में एक जगह है जहाँ पे क्लॉक है, और क्लॉक के अकॉर्डिंग लगभग पूरी दुनिया का टाइम सेट है, हम 5.5 घंटे आगे हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो एंटी मेरिडियन का क्या मतलब होता है, उसी मेरिडियन से पहले, है ना, तो 9 AM का क्या मतलब हुआ कि उस मेरिडियन से 9 घंटे पहले, या फिर एंटे का मतलब क्या होता है, बिफोर, तो उससे पहले। तो ए एम और पी एम जो होता है उसका मतलब यही है, एंटे मेरिडियन, और पी एम पोस्ट मेरिडियन, है ना, मतलब उसके बाद वाला। तो याद रखिएगा एंटे का मतलब हमेशा बिफोर होता है। अब बेल, ये एक अलग वर्ड आया, BELL, बेल भाई, इसका मतलब क्या होता है, ये जो रूट वर्ड है ना बेल, इसका मतलब होता है वॉर या फिर फाइट। हाँ, तो एंटेबेलम का क्या मतलब हो जाएगा, बिफोर वॉर, जैसे मैं कहूँ खासतौर से कोई भी वॉर हुई है, बिफोर वॉर, बिफोर वॉर या फाइट से पहले, ठीक है, जैसे मैं कहूँ द कंडीशन, द एंटेबेलम कंडीशन वॉज बेटर, ठीक है, कि वॉर से पहले की जो कंडीशन थी वो बेटर थी, जब फाइट नहीं हुई है, वॉर नहीं हुई है, सब सुखी शांति से है। तो दैट इज, जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ भाई महाभारत देखी है, महाभारत एंटे बैलम अलग तरीके से चली है और पोस्ट बैलम अलग तरीके से चली है। तो पोस्ट बैलम का हो गया, पोस्ट का मतलब तुम जाते हो, पोस्ट पेड कनेक्शन होता है, पहले इस्तेमाल करें बाद में पैसा दें, तो पोस्ट का मतलब क्या होता है, लेटर, बाद वाला। लेटर, बाद वाला, ठीक है, बाद वाला। तो पोस्ट बैलम का क्या मतलब हो जाएगा, पोस्ट बैलम का मतलब हो जाएगा आफ्टर वॉर, ठीक है, तो पोस्ट बैलम कंडीशन मतलब वॉर के बाद की कंडीशन। अगला क्या है, बैलोना, ये है बड़ा शानदार वर्ड है, ये तुम यूज कर सकते हो, अगर वो तुमसे बहुत लड़ती है, तुम्हारा खून पी चुकी है कई बार, ठीक है, अगर तुमने भर भर के उसे अपना खून पिलाया है, अगर वो तुम्हें बार बार परेशान करती है, छोटी छोटी बातों पे बिदक जाती है, और तुम्हें दो दो तीन तीन दिन लग जाते हैं उसे समझाने के लिए, तो समझ लो तुम्हारी वाली है युद्ध की देवी। कौन है, युद्ध की देवी। पहली बात तो यह है, ये वर्ड लड़कों के लिए यूज नहीं हो सकता, क्योंकि इसका मतलब है गॉडेस ऑफ वॉर, युद्ध की देवी है ये, युद्ध की देवी। मैंने भी किसी का नाम सेव कर रखा है अपने मोबाइल में, बैलोना, तो तुम चाहो तो तुम भी कर लेना बैलोना, ठीक है भाई। बेलिकोस कौन होता है, बेलिकोस बेलिजरेंट एक जैसे होते हैं, ठीक है, तो बेलिकोस बेलिजरेंट का मतलब होता है ऑलवेज रेडी टू फाइट, ठीक है, लड़ने को तैयार हैं ये, ठीक है, और कह सकते हो मतलब हु लव्स फाइट, जिसे फाइट करना अच्छा लगता है, जैसे जैसे रॉटवाइलर कुत्ता तुमने सुना होगा, तो देयर इज अ डॉग ब्रीड नेम्ड रॉटवाइलर, ऑलवेज रेडी टू फाइट, हमेशा तैयार है लड़ने को, किसी से भिड़वा दो, तो वो कौन होता है, रेडी या फिर ईगर टू फाइट, ठीक है, रेडी होता है, ईगर टू फाइट होता है, और इसे फाइट बहुत अच्छी लगती है, तो ये कौन है, बेलिजरेंट या फिर बेलिकोस। अगला बड़ा है रिबेलियन, ये अलग से लिख देता हूँ, हिचकिच हो जाएगी नहीं तो। रिबेलियन कौन होता है, बागी सुना होगा तुमने, बागी जो जाता है किसी के खिलाफ, किसी अथॉरिटी के खिलाफ, किसी सरकार के खिलाफ, किसी फैमिली के खिलाफ, अपनी खुद की फैमिली के खिलाफ, ठीक है, तो वो कौन होता है, बागी बोलता है हिंदी में। रिबेलियन मतलब हु गोस अगेंस्ट एन अथॉरिटी। तो उम्मीद है ये पांचों वर्ड भी, 1 2 3 4 5 6, ये 6 के 6 वर्ड भी आपको याद हो गए होंगे, और हाँ नोटबुक में जरूर लिखते जाएंगे, जब आप इसे रिवाइज करेंगे ना, सारे रिवाइज हो जाएंगे एक ही बार में। और दूसरी बात, एग्जाम में जब भी पूछे जाएंगे दोस्त, तो ऑप्शन के साथ पूछे जाएंगे, और ऑप्शन के साथ तो मुझे चीतों से उम्मीद है बता देंगे। चलो भाई अगला वर्ड आया ये वाला, वॉर। तो जहां भी VOR आ जाता है ना, वॉर, इसका मतलब होता है हड़प जाने से, ईट, खा जाना, ठीक है, खा जाना, हड़प जाना सब। तो वोरेशियस कौन होता है, वोरेशियस होता है, दो मीनिंग आएंगे इसके, एक तो होता है ग्लटन, ग्लटन कौन होता है, भुक्कड़ ना कुछ, जैसे मेरा एक फ्रेंड है,
उसको खाने का बहुत शौक है, मतलब ऐसा नहीं क्या खाना, कुछ भी खाना, और अगर फ्री खाना मिलेगा तो वो छोड़ेगा नहीं। मतलब मुझे ये भी याद है कि वो आदमी जब समोसे या कुछ ऐसा खाने जाता है ना, या मान लो एक बार मेरे साथ कबाब खाने गया, तो कबाब के साथ जो उसने चटनी दी थी ना, कबाब खत्म हो गया, प्याज ऐसी सूखी खा गया और चटनी उसके ऊपर से पी गया। मैंने कहा भाई ये तू कैसे कर सकता है, जरा क्या हुआ है, पैसा पे किया, इसमें खाऊंगा नहीं क्या? तो ही वॉज लाइक दैट। तो ये कौन होता है, ग्लटन, भुक्कड़। इसके लिए इसका एक मीनिंग और भी हो सकता है, इसका एक मीनिंग हो सकता है रैपेशियस। रैपेशियस कौन होता है, ग्रीडी, ठीक है। और ये है कौन, ये है एडजेक्टिव, इसी एडजेक्टिव के लिए ये है नाउन। तो वरासिटी के भी दो मीनिंग होते हैं, एक तो इसका मतलब यही वाला आ जाएगा, ग्रीड, लालच। वरासिटी इज लालच। अच्छा वरासिटी से कंफ्यूज मत होना, एक इसी जैसा दूसरा वर्ड है वो भी लिख देता हूँ, वरासिटी, ये अलग है, इसमें वी ए है, इसमें वी ओ है। तो वरासिटी का मतलब होता है दोस्त मेरे सच्चाई, ट्रुथफुलनेस। तो बीच बीच में मैं तुम्हें ऐसे वर्ड भी दे रहा हूँ जो देखने में इन जैसे लग रहे हैं पर थोड़े से डिफरेंस है उनमें। तो जब एग्जाम में तुम्हें घुमा के दे दिया जाएगा ना, तो घुमा के करना आना जरूरी है। देखो सीधा सीधा सब कर लेते हैं, जो घुमा के कर ले वही तो चीता है। तो सीधी सी बात है, वेरासिटी ट्रुथफुलनेस, वोरासिटी इज ग्रीड। आगे बढ़ते हैं। हाँ इसका मतलब भुक्कड़पन भी होता है, किसी चीज के लिए, खाने के लिए ग्रीड, किसी भी चीज के लिए ग्रीड, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। डिवोर, ये बहुत अच्छा वर्ड है और ये भी बार बार पूछा जाता है। डिवोर का मतलब क्या होता है, डिवोर का मतलब होता है किसी चीज को पूरे तरीके से हड़प जाना, जैसे एनाकोंडा करता है ना, वो हड़प जाता है, ठीक है। तो एक सेंटेंस भी आता है, द बिग बिग फिश, बिग फिश डिवोर द स्मॉल वंस, जो बड़ी मछलियां होती हैं छोटी मछलियां को हड़प जाता है। तो इसका क्या मतलब होता है, ईट अप कंप्लीटली, पूरा एकदम खा जाना है ना। इसका मतलब ये भी होता है कभी कभी कि जब तुम किसी का पैसा खा जाते हो, या तुमने देखा होगा जैसे हम कह सकते हैं दीज पॉलिटिशियंस हैव डिवॉल्व द कंट्री, ये हड़प गए हैं देश को ये सारे पॉलिटिशियंस। आगे अब देखो यहीं से वर्ड आते हैं, ये तुम्हें पता ही होगा, कार्निवोर, हर्बीवोर, ओमनीवोर, ठीक है। तो इसमें भी तुम्हें तीन नए रूट वर्ड्स तुम्हें देखने को मिलेंगे, जैसे कार्न, जहां भी कार्न मिल जाएगा इसका मतलब क्या हो जाएगा, फ्लैश से हो जाएगा, फ्लैश या फिर मीट ना। तो कार्निवोर कौन हो जाएंगे, कार्निवोर वो हो जाएंगे ऐसे जानवर जो क्या खाते हैं, मांस खाते हैं। कान से एक आध वर्ड मैं तुम्हें और दे देता हूं, जैसे कार्नल। तो कार्नल का मतलब क्या होता है, कार्नल का मतलब होता है रिलेटेड टू बॉडी, ठीक है, बॉडी से रिलेटेड। बॉडी में क्या होता है, फ्लैश, ऐसा समझ सकते हो। जैसे कोई कहे आई डिड नॉट लाइक हिज कार्नल आईज, कार्नल आईज का मतलब क्या होगा, ऐसी आंखें जिनमें हवस भरी है, ये मुझे हवस की नजर से देखता है, गलत नजर से देखता है, डेट इज कॉल्ड कार्नल। तो कार्नल का मतलब फ्लैश से होता है, ठीक है। तो ऐसी कार्निवोर का क्या मतलब हो जाएगा, हु ईट्स फ्लैश। अब ये तुम्हें पता ही है, हर्ब, हर्ब का मतलब क्या होता है, प्लांट्स। तो ये हर्बीवोर कौन हो जाएगा, हु ईट्स प्लांट्स। तो जहां भी हर्ब आ जाए, हर्बीवोर मतलब हु ईट्स प्लांट्स। ओमनी का मतलब होता है ऑल, जैसे ओमनी पोटेंट, जैसे ओमनी सेंट, जैसे ओमनी प्रेजेंट। तो क्या मतलब हुआ, ओमनी पोटेंट, जो रखता है सारी ताकत, पोटेंशियल, पोटेंशियल तो तुम्हें पता ही होगा ना। तो ओमनी पोटेंट कौन होता है, मतलब हैविंग ऑल पावर्स, इसके पास सारी पावर्स। ठीक है, ऐसी ओमनिसेंट क्या होगा, हैविंग ऑल नॉलेज, ठीक है। और ओमनी प्रेजेंट का क्या मतलब होगा, प्रेजेंट एवरीवेयर। तो हम गॉड के लिए यूज करते हैं कि दैट गॉड इट, गॉड इज ओमनी पोटेंट, ओमनी सेंट एंड ओमनी प्रेजेंट, है ना दोस्तों। आंसर बस, तो ये रहे तुम्हारे पास। ऐसी ओमनीवोर क्या हो जाएगा, हु ईट्स एवरीथिंग, जैसे भालू होता है ना, भालू, भालू इज एन ओमनीवोर, वो मांस भी खा लेता है, वो प्लांट्स एंड ये सब भी खा लेता है, ठीक है, वो कुछ भी खा के अपना गुजारा चला लेता है। तो भालू, बियर इज एन ओमनीवोर, ठीक है। तो उम्मीद है ये सारे वर्ड भी आए होंगे समझ में, साथ में मैंने कुछ और वर्ड या आपके लिए लिखे हैं,
ये ग्लटन रैपेशियस वगैरह ये सारे नोट करने हैं आपको। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी दे रहा हूँ बीच में, कुछ और रूट वर्ड भी लगा दिए हैं जैसे ये वाला ओमनी लगा दिया है, तो इन सबको आप नोट करके जाएंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, आंसर बताइए मतलब आंसर बताइए, देखिए और आपके कि आपको इनमें से कितने वर्ड्स आते हैं। फिल, आहा ये बड़ा प्यार, जहां भी आ जाता है इसका मतलब होता है लव। हाँ भाई, तो इसका मतलब क्या होता है लव। अब फिलैंथ्रोपिस्ट कौन होता है, ये होता है, लिख देता हूँ इसे अलग से, बढ़िया वर्ड है। फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जो कह सकते हो लवर ऑफ मैनकाइंड, किससे प्यार करता है ये, लवर ऑफ मैनकाइंड है ना, इंसानियत से प्यार करता है, लोगों को अच्छा चाहता है ना, बांटता है लोगों से चीजें। इसके लिए एक वर्ड और आता है जेनरस, ह्यूमेन या काइंड, ठीक है। ये सारे के सारे सिनोनिम हैं, तो मैंने आपको फिलेंथ्रोपिस्ट के सिनोनिम भी दिए हैं। एक वर्ड और दे देता हूँ उसमें, म्यूनिफिसेंट। म्यूनिफिसेंट भी कौन होता है, म्यूनिफिसेंट इज अगेन अ पर्सन हु वांट्स गुड ऑफ अदर्स, दयालु ना, करुणा से भरा हुआ, उदारता जिसमें हो, दूसरों का अच्छा चाहता हो, अपनी चीजें शेयर कर लेता हो, फिलैंथ्रोपिस्ट। अगला वर्ड क्या होगा, फिलोलॉजी। फिलोलॉजी बढ़िया वर्ड है, इससे कंफ्यूज मत होना। फिलोलॉजी का मतलब होता है बेसिकली लवर ऑफ वर्ड्स, जिसे शब्द में बड़ा इंटरेस्ट हो, शब्द याद करना जिसे बहुत अच्छे लगते हो। अगर तुम में से कोई ऐसा है जिसको वोकैबलरी में बहुत मजा आता है, वर्ड याद करते हो, वर्ड लिखते हो अपने पास, तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग वर्ड्स तुम्हें याद हैं, तो तुम कौन हो, फिलोलॉजिस्ट है ना। तो फिलोलॉजी का मतलब क्या होता है, लव फॉर वर्ड्स, वर्ड्स के लिए प्यार होना। अच्छा, फिलोडेमिक। अब यहाँ से एक वर्ड और देखो, डेमो, यहाँ भी डेमो आ जाता है ना, डेमो या डेम, इसका मतलब होता है पीपल। कैसे याद रखोगे, डेमोक्रेसी नहीं सुना तुमने, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, तो डेमो का मतलब, डेमोगॉग नहीं सुना आपने है ना। डेमो से एक वर्ड और देता हूँ आपको, डेमोगॉग। इस डेमोगॉग कौन होता है, एक लीडर होता है जो फॉल्स या बेकार लीडर होता है, जो लोगों को गलत रास्ते पे लेके जाता है और उनसे गलत काम करवा लेता है या उनको बेवकूफ बनाता है। तो डेमोगॉग इज अ लीडर, कैसा लीडर, ईविल होगा ये, बैड होगा, ठीक है, अच्छा लीडर नहीं होता डेमो का। तो डेमो का मतलब पीपल होता है, डेमोक्रेसी से आप याद रख सकते हैं। तो फिलोडेमिक का क्या मतलब होगा, फिलोडेमिक का मतलब होगा हु लव्स पीपल। तो ये पूरा वर्ड है फिलोडेमिक, इसका मतलब क्या हो जाएगा, लवर ऑफ पीपल, लवर ऑफ पीपल, ठीक है दोस्त। अगला वर्ड क्या है, फ्लोजिएंट। ये बहुत अच्छा आदमी है, जो भी अच्छा है इसको पसंद है, जैसे इसको म्यूजिक में भी इंटरेस्ट आएगा, इसको और क्या क्या अच्छा है लाइफ में, तो कभी सोचा है कि क्या क्या अच्छा है, किस किस को तुमने अच्छा माना है, जैसे म्यूजिक, जैसे खाना, जैसे स्लीप, जैसे ऑपोजिट सेक्स, ये सब अच्छा है, सभी के साथ हमारा दिल लगता है, तो जिसके साथ तुम्हारा दिल लग जाए वही तुम्हें अच्छा लगता है। तो फ्लुजेंट क्या होता है, लवर ऑफ गुड थिंग, ठीक है दोस्त। अगला वर्ड फिलोसोफर कौन होता है, फिलोसोफर कौन होता है, फिलोसोफर होता है बेसिकली लवर ऑफ विजडम, क्योंकि फिलोसफी में सारी चीजें क्या सिखाई जाती हैं, विजडम से रिलेटेड हम पढ़ते हैं। विजडम और नॉलेज में एक डिफरेंस होता है, नॉलेज होता है बेसिकली इंफॉर्मेशन जो आपको कहीं से भी मिली है, जैसे आपको इस वर्ड का मीनिंग तो पता चल गया फ्लोजियंट का, ठीक है, लेकिन आप जिंदगी में कभी फ्लोजिएंट बन नहीं पाए, क्योंकि उसके लिए एक अच्छी फिलोसफी चाहिए होती है। फिलोसफी का मतलब होता है बेसिकली स्टडी ऑफ विजडम, कि अकल का इस्तेमाल कैसे करते हैं, व्हाट इज, जैसे कहते हैं ना, वो एक महाभारत में विदुर था, वो बहुत वाइज था, जिसको अच्छे बुरे की बहुत बहुत अच्छी तमीज होती है, जिसको पाप और पुण्य का फर्क बहुत जबरदस्त पता होता है, ठीक है। ऐसा आदमी कौन होता है, उसी को हम वाइज बोलते हैं। ऐसा नहीं कि तुमने ये एग्जाम निकाल दिया तो विजडम है, वो तुम्हारी नॉलेज है। विजडम इज अ लिटिल डिफरेंट थिंग,
जब आप एक बेहतर जीवन जीते हैं, जब आप दुनिया के लिए कुछ बेहतर करते हैं, पॉजिटिव करते हैं, तभी आपको वाइज माना जाता है अकॉर्डिंग टू फिलोसफी, ना? तो लवर ऑफ विजडम होता है, बिब्लियोफिल कौन होता है? जहां भी आ गया बाइबल, बाइबल क्या है? बुक। तो बिब्लियोफिल क्या हो गया? लवर ऑफ बुक्स। और जहां भी वर्ड आ जाए एंग्लो, तुमने सुना होगा ना, एंग्लो इंडियन, एंग्लोफोबिक, तो एंग्लो का मतलब होता है अंग्रेज, तो एंग्लोफोबिक का क्या मतलब हो जाएगा? फियर ऑफ ब्रिटिश या इंग्लिश थिंग, ये मैंने आपको कराया था, तो एंग्लोफिल का क्या मतलब हो जाएगा? लवर ऑफ इंग्लिश, है ना? अब लवर ऑफ इंग्लिश पीपल या कुछ भी, इसको हम बोलते हैं लवर ऑफ इंग्लिश। तो ये सारे वर्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वर्ड्स उम्मीद है कि आपको याद हो गए हों। कोई भी डाउट होगा तो आप उससे पूछेंगे, भर दिया है मैंने बोर्ड आपके प्यार में। अगला वर्ड ये रहा, ये तो पता ही होगा, साइंस वाले बच्चे हो, सेक्ट बाई सेक्ट ना, एक ही बार में याद हो जाएंगे सारे के सारे, बेफिक्र। देखो जहां भी सेक्ट आ जाता है ना, इसका मतलब होता है कट करना या फिर सेपरेट कर देना, हटा देना किसी चीज से। तो बाइसेक्शन आपको पता ही होगा, बाइसेक्ट का मतलब होता है टू कट इन टू पार्ट। ठीक है, बाइसेक्ट कर देना। अब डाइसेक्ट थोड़ा सा अलग होता है। डाइसेक्ट का मतलब होता है कि भाई आपने क्या किया, आपने तो डाइसेक्ट का मतलब होता है, डाइसेक्शन आप किसका करते हैं? डाइसेक्शन आप बेसिकली साइंस में करते हैं, बायोलॉजी में करते हैं, जब आप किसी एनिमल को काटते हैं। ठीक है, तो डाइसेक्ट का क्या मतलब होता है? टू कट अ बॉडी, ठीक है, फॉर इंस्पेक्शन या सर्जरी के लिए, इंस्पेक्शन के लिए अगर आप किसी बॉडी को काट रहे हैं। ठीक है, बेसिकली वो जानवर की भी हो सकती है। आपने, आपको याद होगा अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, आपसे डाइसेक्शन कराया होगा किसका? मेंढक का, दैट इज कॉल्ड डाइसेक्शन। अच्छा, ट्रांसेक्ट का मतलब क्या होता है? दो चीजों का एक जगह मिलना, ट्रांसेक्ट हो जाना, मतलब देखो वैसे तो इसका मतलब सेपरेट होता है, पर ये कहीं और से सेपरेट होकर कहीं आके मिलती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसेक्ट। ठीक है, और इंटरसेक्शन और ट्रांसेक्ट, इंटरसेक्ट और ट्रांजेक्ट, ये ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इन ट्रांजेक्ट का मतलब होता है टू जॉइन फ्रॉम अ सेपरेशन, कहने का मतलब है आपने कोई और, कहीं और से आप जुदा हुए और कहीं और जाके मिल, कहीं और से आप निकले, जुदा नहीं हुए, कहीं और से आप निकले और आप कहीं और जाके आपने ट्रांजेक्ट कर दिया, कहीं जाके मिल गए, दैट इज ट्रांजेक्शन, है ना, ट्रांजेक्ट करना। और इंटरसेक्शन क्या होता है? इसके लिए आप याद करेंगे इंटरसेक्शन, इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है? ये नाउन है और ये वर्ब है, बस इतना डिफरेंस। तो इंटरसेक्ट का मतलब होता है, कहते हैं ना कि कहां पे लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, एक दूसरे को क्रॉस करना, इसका मतलब होता है टू क्रॉस, क्रॉस करना। सेगमेंट आपको पता ही है, सेगमेंट होता है पोर्शन। अब तुम कहोगे ये पोर्शन का सेट से क्या मतलब, है ना भाई? सेक्शन भी तो होता है, सेक्शन नहीं सुना तुमने? सेक्शन, पोर्शन, सेगमेंट, ये तीनों के तीनों से ना नेम है। तो सेगमेंट का मतलब क्या होता है? कहीं से जुदा हुई भी कोई चीज, कहीं से कट हुई भी कोई चीज, कहीं से पोर्शन में आई हुई कोई चीज, ठीक है, सेक्शन ये होता है। अच्छा, रिलीजियस सेक्ट का क्या मतलब होता है? ये मैं आपको बताता हूँ। सेक्ट का, सेक्ट क्या होते हैं? जैसे आपने देखा होगा, हाँ, हिंदुइज्म में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे सेक्ट हैं। सेक्ट का मतलब है आर्य समाज, ये अलग है, ठीक है, फिर उसके बाद कुछ निरंकारी हैं, वो अलग हैं, फिर इसके बाद हमारे यहाँ अगर आप देखोगे हर रिलीजन में आपको मिल जाएंगे, क्रिश्चियंस में बहुत सारे सेक्ट्स हैं, जैसे आपको मिल जाएंगे कैथलिक अलग हैं, प्रोटेस्टेंट्स अलग हैं, मेथोडिस्ट अलग हैं, ये सारे रिलीजियस सेक्ट्स हैं। ऐसी मुस्लिम से में शिया, सुन्नी, ये सारे क्या हैं? ये सेक्ट्स हैं। तो सेक्ट्स का मतलब होता है कि एक बड़े रिलीजन या किसी बड़ी पॉलिटिकल या किसी किसी भी ऐसी चीज में से छोटे छोटे कुछ ग्रुप बन जाना। तो सेक्ट्स का मतलब क्या होता है? बेसिकली groups
विद अ स्लाइट चेंज ऑफ थिंकिंग। तो ऐसे ग्रुप जिनके चेंज, जिनके मतलब एक बड़ा ग्रुप है उसी में से छोटे छोटे ग्रुप बन गए, इसके लिए एक वर्ड और भी आता है, फैक्शन भी बोलते हैं। पर फैक्शन में ना, फैक्शन में क्या होता है, फैक्शन थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है। इसका मतलब होता है फैक्शन का जिनमें अपवाद है आपस में, जैसे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी से लोग बीजेपी छोड़ी कांग्रेस ज्वाइन करी, कांग्रेस छोड़ी बीजेपी ज्वाइन करी, फिर किसी ने कुछ ज्वाइन करा, तो ये सब क्या रहता है, ये होते हैं फैक्शन बन जाते हैं, है ना। एक बड़े ग्रुप में एक स्मॉल ग्रुप बन जाता है और वो बड़े वाले ग्रुप के खिलाफ होता है। यहाँ पे सेक्ट जरूरी नहीं है कि खिलाफ हो, जरूरी नहीं है कि आर्य समाजी जो हैं वो निरंकारियों के खिलाफ हो, जरूरी नहीं है कि प्रोटेस्टेंट जो हैं वो मेथोडिस्ट के खिलाफ हो, ठीक है। बस ये सेक्ट है, इनकी सोच थोड़ी सी अलग है उनसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लीजिए ये वर्ड भी आपको भर भर के, मुझे उम्मीद है आज की वोकैब की क्लास में मजा खूब आ रहा होगा। अगर वर्ड नोट करोगे तो तुम्हें लगेगा हाँ यार ये थी क्लास, बहुत मजा आया, बहुत सारे वर्ड्स नोट हो गए। अब ये क्या कह रहा है, क्रोनो, जहां भी वर्ड आ जाए क्रोनो, इसमें रोना पड़ रहा है, तो क्रोनो का मतलब भाई टाइम खराब होता है आदमी को रोना पड़ता है। तो जहां भी कैसे याद रखोगे, क्रोनो टाइम खराब होता है आदमी को रोना पड़ता है, तो क्रोनो का मतलब होता है दोस्त टाइम। तो क्रोनो, क्रोनोलॉजी का क्या मतलब होता है, स्टडी ऑफ टाइम। क्रोनोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ टाइम, ठीक है। कि भाई वो सुना है ना, क्रोनोलॉजी समझिए कि भाई पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, आगे क्या होने वाला है, दैट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजी, स्टडी ऑफ टाइम। क्रोनोफोबिया, ये एक ऐसा आदमी है जो फ्यूचर से डरता है ना, क्रोनोफोबिक है। इसको क्या है, अभी यार पता नहीं एग्जाम आ गया, अरे यार 3 दिन में एग्जाम है, फिर एग्जाम देने के बाद यार रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, फिर यार ज्वाइनिंग आने वाली, हमेशा ये फ्यूचर से डरेगा। कौन है ये, क्रोनो, क्रोनोफोबिया इज फियर ऑफ फ्यूचर। इसे याद रखने का आसान तरीका है, क्रोनो का मतलब तो टाइम होता है, अब तुम पास से तो डरोगे नहीं, प्रेजेंट तुम्हारा, प्रेजेंट में तुम ऐश कर ही रहे हो, बचा क्या फ्यूचर, तो फियर ऑफ फ्यूचर होता है। क्रॉनिक का मतलब क्या होता है, क्रॉनिक का मतलब होता है कोई चीज जो बड़े पुराने समय से चलती आ रही है, जैसे क्रॉनिक कफ, किसी को खांसी है 5 साल से खांसी है, 2 साल से खांसी, खांसे ही जा रहा है। कौन है, मैं नाम नहीं लूंगा यार किसी भी पॉलिटिशियन का, तुम अपने आप समझदार हो। तो क्रॉनिक कौन होता है, क्रॉनिक का मतलब होता है रिलेटेड टू ओल्ड, बेसिकली डिसीजेस के लिए यूज होता है, ठीक है, क्रॉनिक डिसीजेस या क्रॉनिक प्रॉब्लम्स जो एक जमाने से चलती आ रही है। क्रॉनिकल क्या होता है, क्रॉनिकल का मतलब होता है इवेंट्स ऑफ टाइम, जैसे एक मूवी आई थी क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया, बड़ी सुंदर बड़ी प्यारी मूवी है, सह परिवार आप देख सकते हैं, अगर देख पाए तो मजा आएगा आपको। उस तो क्या है वो, उसमें क्या दिखाया है क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया में, कि कैसे प्यास था, फिर कैसे इवेंट्स का मतलब जो भी पिछले जमाने से लेके अब तक टाइम में बीता वो क्रॉनिकल्स होते हैं। जैसे अगर भारत की क्रॉनिकल्स की बात करो तो भाई देश कैसे आजाद हुआ, कैसे ब्रिटिश घुस गए यहाँ पे, कैसे उन्होंने किया, फिर हमने कैसे देश आज़ाद कराया, कौन कौन लड़े उसके बाद, कैसे सत्ता में आए और फिर कैसे भसड़ मची, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये क्रॉनिकल्स, क्रॉनिकल्स ऑफ इंडियन मिडिवियल हिस्ट्री आप ऐसे कह सकते हैं। क्रॉनी, क्रोनी कौन होता है, क्रोनी का मतलब होता है भाई एक तुम्हारा पुराना लंगोटिया यार, बड़ा पुराना दोस्त है, ठीक है, उसका नाम क्रोनी यूज़ कर सकते हो, वो बचपन से जानते हो तुम, ठीक है, तुमने और इसने मतलब साथ में पतंग उड़ाई, कंचे खेले, फिर उसके बाद साथ में स्कूल गए, ट्यूशन गए, फिर उसके बाद साथ में एक ही लड़की पसंद आई, उसने पटा ली, तुमसे नहीं पटी, बीच में थोड़े डिफरेंसेस आए, फिर जब लड़की उसने छोड़ दी, तुम्हारी दोस्ती दोबारा हो गई, तो ये क्या है, ये सारा क्रोनी है तुम्हारा, ओल्ड फ्रेंड कह सकते हो, पुराना दोस्त। इसके लिए एक वर्ड और आता है चम, चम कहते हैं लंगोटिया यार को, ठीक है, ये भी याद रखना, चम। सिंक्रोनाइज्ड का क्या मतलब होता है, सिंक्रोनाइज्ड का मतलब होता है सेम टाइम, सेम टाइम का, ऑफ सेम टाइम, जैसे 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 आप क्या करते हैं अपने फोन को सिंक्रोनाइज कर लेते हैं, तो क्या होता है कि जितने भी तुम्हारे गूगल पे जितने भी तुम्हारे पास कॉन्टेक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे मोबाइल फोन के अंदर तुम्हारे आ जाते हैं, तो ये क्या हो जाता है, सिंक्रोनाइज हो जाता है। अगला क्या है, ऑफ सेम टाइम सिंक्रोनाइज, एना, जहां भी ए एन आ जाता है ना, एना, ये एना का मतलब नॉट हो जाता है, ठीक है, नॉट या फिर बैड जैसा,
तो एनाक्रोनिज्म का मतलब होता है बैड टाइम्स। एनाक्रोनिज्म का क्या मतलब होता है? बुरा वक्त, बैड टाइम ना, ये ईविल टाइम चल रहा है, वॉर वाला टाइम था, या जो हमारे यहाँ ये पैंडेमिक फैली थी सब तरफ, तो वो जो COVID-19 वाला टाइम था वो एनाक्रोनिज्म था। ठीक है, तो उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा। मैंने आपसे वादा किया था कि 10 तो दूंगा ही, 10 से ज़्यादा मैंने दे दिया, तो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट वन। आराम से देखिए इसे और फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से क्वेश्चंस आपको भर भर के मिलेंगे एग्जाम। देखिए क्या कह रहा है, मैल। अब देखो मैल अच्छी चीज होती है क्या? मैल है बदन से जो छूटता है उसकी बात कर रहा हूँ, जो लोग नहाते नहीं है बदन पे मैल आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, उस मैल से मैंने इसे याद रखा। तो मैल का मतलब हमेशा क्या होगा, बैड या फिर ईविल, गंदा। मैल से याद रखोगे तो मेलवोलेंट कौन होता है? देखो एक बात मुझे बुरी लगी, इस वर्ड में अंग्रेजों ने मेल लगा दिया यार, मेल नहीं लगा, चलो कोई बात नहीं, पर ये बड़ा गंदा आदमी होता है। मेल वोलेंट का मतलब होता है दूसरों का बुरा चाहने वाला। ठीक है, जो चाहता है मजा आ जाएगा, बम फट जाए। ठीक है, ऐसा आदमी कौन है दूसरों का बुरा चाहता है? ठीक है, जिसको तुमने ऐसी मूवीज देखी होंगी जो बिना वजह कह रहा है मुझे लोगों को मारना है, लोग पागल है, इनका मरना जरूरी है, तो ये कौन हो जाते हैं? मेल वोलेंट हो जाते हैं। जैसे तुमने मूवी देखी होगी जोकर, ठीक है, या फिर बैटमैन देखी होगी, तो बैटमैन में जिसने जोकर का मतलब रोल किया है ना, वो कौन है? वो मेल वेलेंट है, वो बुरा चाहता है। ठीक है, इसको मारेगा, उसको मारेगा, कांड करेगा हर समय, तो वो मेल वेलेंट हो गया था, उसके साथ जो भी बुरा हुआ। तो मेल वेलेंट का क्या मतलब होता है? हु वॉन्ट्स बैड और ईविल फॉर अदर्स, या फिर सोसाइटी के लिए। इसी का एक सिनोनिम है, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये वाला मैलिग्नेंट। ठीक है, मैलिग्नेंट का मतलब भी क्या होता है? डेंजरस, डेंजरस और जो विद इंटेंशंस ऑफ हर्टिंग, जिसकी इंटेंशंस तुम्हें नुकसान पहुंचाना हो। जैसे कहते हैं कि भाई इसको ट्यूमर हो गया है और इसका ट्यूमर जो है बड़ा ही मैलिग्नेंट है। मैलिग्नेंट का मतलब है जो बढ़ता चला जाएगा, बॉडी को नुकसान पहुंचाता चला जाएगा। ठीक है, कभी कभी होता है कि तुम्हारे कोई दाना निकल आता है, तुम डॉक्टर को दिखाते हो, डॉक्टर कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, इट इज़ नॉट मैलिग्नेंट, ये तुम्हें परेशान नहीं करेगा। तो परेशान करने वाला, बुरा चाहने वाला इज अगेन मैलिग्नेंट। तो काफ़ी क्लोज हो जाता है मेल वोलेंट। ठीक है भाई, अगला वर्ड मैल फंक्शन, जो ढंग से काम नहीं करता हो। ठीक है, तो मैल फंक्शन, मीन्स समथिंग दैट दैट डजन वर्क प्रॉपरली या फिर नाइसली, जो अच्छे से काम नहीं करता। ठीक है, मैल फंक्शन, जैसे कोई भी कंप्यूटर है उसमें मैल फंक्शनिंग हो सकती है, किसी सॉफ्टवेयर में मैल फंक्शनिंग हो सकती है, बड़ा कॉमन वर्ड है, जगह जगह आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैल फंक्शन, मैल न्यूट्रिशन के तो आपने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स देखे होंगे। मैल न्यूट्रिशन का क्या मतलब होता है? जब आपको ढंग से न्यूट्रिशन नहीं मिलता, बैड न्यूट्रिशन। जैसे अगर आप कंट्रीज देखेंगे, लीबिया है या फिर यूथोपिया है, यहाँ पे लोग परेशान है किससे? मैल न्यूट्रिशन से, उनको सही डाइट नहीं मिलती। तो मैल न्यूट्रिशन क्या होता है? बैड न्यूट्रिशन। ठीक है, और देखो मैल न्यूट्रिशन का यही मतलब नहीं कि कम खाने को मिल रहा है। ठीक है, अगर तुम्हें खराब खाने को मिल रहा है, जैसे तुमने देखा होगा आजकल बड़ा कॉमन है लड़कियां सुबह ये बर्गर, चाउमीन, डोसा और क्या होता है, चाट पकौड़ी, सब चाप जाती हैं और फिर फैल जाती हैं, समझ रहे हो? तो जब ये फैल जाती हैं तो ये भी मैल न्यूट्रिशन की शिकार होती हैं। इन्होंने भी ये मत सोचो बेचारा सूखा जो बच्चा हो, भिखारी बेचारा जिसको खाने को नहीं मिलता है, बिल्कुल सूख गया, गाल पिचक गए, हाथ पतले हो गए, कंधे खत्म हो गए, तो वो ही मैल न्यूट्रिशन का शिकार है। ये लोग भी मैल न्यूट्रिशन का शिकार है। वैसे उसके लिए एक और वर्ड आता है, ओबिसिटी, ये लिख देता हूँ। ओबिसिटी, ओबिसिटी का मतलब होता है मोटापा। तो ये समझ लीजिए कि ये ओबिसिटी की भी शिकार है, और ओबिसिटी इज अ काइंड ऑफ मैल न्यूट्रिशन, खराब खाना खाना, कम खाना खाना या घटिया खाना खाना इज मैल न्यूट्रिशन। ठीक है, अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं। मैल ऑर्डर, ये ODOUR, ये जहां भी आ जाता है इसका मतलब होता है स्मेल, और बैल का मतलब क्या होता है? बैड। ठीक
तो बैड या फिर फाउल, बदबूदार, फाउल स्मेल। मतलब आज तुम्हें क्या हुआ, तुम आज ही बड़ी अच्छी लग रही थी, तुमने सोचा आज मैं इससे बात करूंगा, बात करी तुमने, आज तुमने इसे जब पहली बार हग करा, तुम्हारी नाक करीब पे, तुमने कहा हाय भैया नहाती नहीं है लड़की, तो क्या हो जाएगा, मेल ऑर्डर आ रहा था उसके पास से। मेल ऑर्डर का मतलब होता है बैड स्मेल आ रही थी, बदबू आ रही थी, तो दैट इज मेल। तो ऐसा ध्यान रखना, ऐसी किसी लड़की के करीब मत जाना तुम लोग। मेल फैक्टर क्या होता है, मेल फैक्टर, बेनिफैक्टर याद है, बेनिफैक्टर कौन था, जो तुम्हारा अच्छा चाहता था। ये मेल फैक्टर कौन होता है, एनिमी है बेसिकली। इसके लिए एक वर्ड और आता है फो, फो और एनिमी, जो तुम्हारा बुरा चाहता हो, छुपा हुआ होता है बेसिकली, ये सामने नहीं आएगा। ये क्या करेगा, गाड़ी में पंचर कर देगा, तुम्हारी गाड़ी घड़ी स्क्रैच मार देगा, समझ लो। तो ये हमेशा छुप छुप के तुम्हारे साथ कांड करना चाहता है, ऐसा आदमी होता है मेल फैक्टर। ठीक है, मैलिटी का क्या मतलब होता है, डिसीज, ये डिसीज होती है बड़ी बुरी बीमारी, बैड डिसीज, जैसे आप कह सकते हैं कैंसर इज द मैलिटी। ठीक है, मैलॉडी मत समझना भाई, मैलिटी का मतलब कुछ और होता है, वो पॉजिटिव वर्ड होता है, उसका मतलब होता है सुर या ताल या कोई धुन, है ना, तो ये डिसीज होती है। अच्छा, मेल पीसेंस, अब आपने, आपको याद होगा बेनिफिशियंट, है ना, बेनिफिशियंट, जो दूसरों का अच्छा चाहता था, तो मेल पीसेंस का मतलब भी अगेन वो है जो दूसरों का बुरा बुरा चाहता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, हैविंग ईविल इंटेंशन। तो ये भी एक तरीके से सिनोनिम हो गया, किसका सिनोनिम हो गया, ये वाला मैलिग्नेंट, मेल पीसेंस और ये मेल वोलेंट, ये तीनों एक जैसे हैं। इनको मैं एक पेन से कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ये वाला, ये वाला, ये तीनों एक जैसे हैं भाई, तीनों को मैंने पिंक पिंक कर दिया। अगला वर्ड क्या है, मेलाफाइड। अब इसका क्या मतलब होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड मेलाफाइड। देखो भाई, इसका मतलब होता है कि किसी का किसी चीज पे बैड ट्रस्ट होना, बैड फेथ या बैड ट्रस्ट के साथ कोई काम करना, ठीक है, या विद एन इंटेंशन ऑफ डिसेप्शन, धोखे, दिमाग में धोखा देके किसी के साथ काम करना या कुछ करना, इज कॉल्ड मेलाफाइड। जैसे तुम्हें ये लगता है, हाँ फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें ये लगता है कि अगर दुनिया से एक स्पेसिफिक, जैसे हिटलर को रखता था कि भाई अगर हम सारे ज्यूज खत्म कर देंगे दुनिया में शांति हो जाएगी, तो ये कैसी सोच है, ये मेलाफाइड सोच है। अगर मैं ये सोचूं कि भाई दुनिया से जितने भी जो है ना, जो लोग धार्मिक हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं एथिस्ट हूँ, मैं नहीं मानता किसी भगवान में, तो मैं अगर ये सोचने लगूं कि जितने लोग भगवान में मानते हैं सबको मार देना चाहिए, है ना, इन सबके साथ बुरा होना चाहिए, तो मेरी सोच कैसी हो जाएगी, मैं मेलाफाइड हो जाऊंगा, और इसी इंटेंशन से अगर मैं कुछ कर दूं तो वो मेलाफाइड कर। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी क्या होता है, एक बैड ट्रस्ट होना या एक बैड फेथ होना या बैड इंटेंशन के साथ किसी काम को करना। जैसे 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 तुम्हें याद होगा, शुएब अख्तर ने बॉल टैम्परिंग की थी, ठीक है, गंदी सोच के साथ की थी, गलत काम किया था कि भाई अब बॉल टैम्परिंग करके अगर तुम करते हो तो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द गेम, ये आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अभी उम्मीद है कि पूरे लेक्चर में सब कुछ समझ में आया होगा, बढ़िया लगा होगा लेक्चर। ठीक है, खूब सारे वर्ड मैंने आपको दिए हैं भर भर के, और इतना एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया है ताकि एक एक चीज अंदर तक चली जाए, क्योंकि जो तुम सुन लेते हो, जिस पे ध्यान दे देते हो, तुम्हारा लंबे समय तक टिक जाता है। तो दोस्त अभी के लिए इतना ही काफी है, अगली क्लास मिस नहीं करना, क्योंकि अगली क्लास होने वाली है प्रेपोजिशंस की, और प्रेपोजिशंस के भर भर की कॉन्सेप्ट मैं आपको देने वाला हूँ, क्वेश्चंस भी आएंगे और पेपर्स भी आएंगे। सो अभी के लिए इतना काफी है, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।